हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बस किराए को लेकर एक खबर आ रही है कि अब हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगा बस किराया। सरकार फैसला कर चुकी है और सरकार ने किराए को बढ़ाने की अब मंजूरी दे दी है। जानते इस वीडियो में कितना किराया बढ़ जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश में आखिरकार बस किराए में इजाफा होगा। सरकार एक तरफ से निजी बस संचालकों के दबाव के आगे नतमस्तक हो गई है। हालांकि सरकार ने 25% किराया बढ़ाने का फैसला ले लिया है। हिमाचल कैबिनेट ने शुक्रवार को बसों का किराया 25% तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। कोरोना काल के बीच प्रदेश की जनता पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। इसमें बसों का इतना ज़्यादा किराया बढ़ने से लोगों पर बोझ पड़ेगा। इससे पहले भी किराया बढ़ाने की खबरें आई थी, लेकिन सरकार ने इन खबरों का खंडन किया था। वहीं अब 100% सवारियों को बैठने की मंजूरी भी दी है। दरअसल कोरोना काल में 1 जून से हिमाचल में बस सेवाएं शुरू होनी थी। हालांकि बीते माह इसे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स कुछ एक स्थानों पर बसें चला रहे थे और किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। निजी बस ऑपरेटर बसों का किराया 50% बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन तब बसों में 60% सवारियां ही बैठने की इजाज़त थी। अब प्रदेश सरकार ने बसों में 100% सवारियां बिठाने की मंजूरी दी है, जल्द जारी होगा। बावजूद निजी बस ऑपरेटर की मांग पर प्रदेश ने 25% बसों का किराया बढ़ाने की मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किराया बढ़ाने को मंजूरी दी गई है, जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। उल्लेखनीय है कि परिवहन निगम की प्रदेश की 3300 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके अलावा 3100 निजी बसें हैं। खर्च ज़्यादा होने के कारण निजी ऑपरेटर बसें नहीं चला रहे हैं। आम जनता पर क्या इसका असर पड़ेगा, बढ़ेगा बोझ? कोरोना संकट के बीच हिमाचल की भाजपा सरकार ने आम जनता को खूब बोझ डाला है। इससे पहले बिजली दरों में वृद्धि हो गई थी, बिजली के स्लैब में बदलाव के चलते बिलों में इजाफा किया था। ऐसे में आम जनता पर सरकार लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा इसका प्रभाव क्या होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल की कोई भी खबर सबसे पहले जानने के लिए धन्यवाद।